चलिए आज देखते हैं मैथ बिहार बोर्ड का प्रश्नावली 1.2। चलिए इसका हम थोड़ा पहले बेसिक देख लेते हैं। देखिए माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है, ठीक है। प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है, ठीक है। प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होता है। एक और प्लस प्लस माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है। ये हमारा थोड़ा बेसिक हो गया इसका, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या बोल रहा है, गुना कीजिए। चलिए गुना कीजिए, यहाँ पे पहला ए नंबर ऑप्शन, इतना है 225 गुना माइनस 4, ठीक है। इसमें इसमें गुना करना है। चलिए इसका गुना करते हैं। ऐसे नहीं गुना आता होगा तो ऐसे खड़ा करके गुना कर दीजिए, अच्छा रहेगा। ऐसे चार है, ये पाँचों का 20, 4 5 20, 4 2 8, 2 10 का 0, 4 2 8, 1 9, ठीक है। इतना 900, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस छिपा रहता है, प्लस नहीं दिखता है यहाँ पे। तो फार्मूला बताए थे यहाँ पे, देखिए क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। समझे, यह हमारा आंसर हो गया। अब बी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बी नंबर क्या बोल रहा है, बी नंबर माइनस 405 गुना माइनस 5, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, इसी तरह गुना कर लीजिएगा। 5 25 का 5, फिर 5 में 0 से गुना करिएगा तो 0 ही आएगा। 2 हासिल आया था तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर 5 का 20, 5 का 20, 20 का 20, यहाँ पे देखिए माइनस 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 प्लस होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं दिखाया जाता है। चलिए यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में 880 माइनस 80 गुना माइनस 50 बराबर 8, यहाँ पे गुना कर लीजिए आ जाएगा 400। अपना गुना कर लीजिएगा, 4000 आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिख देंगे आंसर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, सी हो गया। अब डी नंबर देखते हैं। डी नंबर माइनस 11 गुना 15, करिए गुना।
से यहाँ पे गुना कर लीजिए, 15 गुना 11 से आता है, 1 में 5 से गुना करिएगा 5 आएगा, फिर 1 में 1 से गुना करिए 1 आएगा, 1 में 5 से गुना करिएगा 5 आएगा, फिर 1 में 1 से गुना करिएगा 1 आएगा। अब जोड़िए 5 का 5 6 165 165 लिखिए, इसके बाद माइनस देखिए, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस कितना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए डी नंबर, डी हो गया, ई नंबर देखिए यहाँ पे ई नंबर देखिए -3 × 35 × -10 ठीक है, गुना करिएगा इसमें इसमें, पहले इसमें इसमें गुना करिए, 15 × 5 फिर 3 × 9 9 × 10, ये माइनस प्लस माइनस होगा, उसके बाद इसको लिख लीजिए, अब ये कितना है -10 को लिख लीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत, चलिए अब इसको गुना करिए इसमें इसमें, इस तरह नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे गुना कर लीजिए, 105 में 10 से, 0 से गुना करिएगा सब 0 ही हो जाएगा, 0 में 5 से गुना करिए 0, फिर 0 में 0 0 से, 0 में 1 से गुना करिएगा 0 आएगा, 1 से 5 में गुना करिएगा 5 आएगा, 1 में 0 से गुना करिएगा 0 आएगा, 1 में 1 से गुना करिएगा 1, 0 5 का 5 0 का 1 इतना आया। देखिए ये नहीं है प्लस है, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होता है, 1050 ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस होता है तो प्लस नहीं दिखाया जाता है, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए ई हो गया, अब एफ नंबर पे देखते हैं, एफ को देखते हैं, एफ क्या कह रहा है, -25 × 0 0 से गुना करिएगा तो 0 ही आएगा, किसी भी बड़ा संख्या में माइनस या प्लस 0 से गुना करिएगा 0 ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद इसको देखते हैं जी नंबर, जी नंबर में देख लेते हैं जी, यहाँ पे -4 है -4 × -4 × -4 ठीक है, इसमें गुना कीजिएगा इससे इसमें, 4 × 16 माइनस माइनस प्लस, फिर इसमें इसमें गुना, यहाँ गुना है गुना दे दीजिए, फिर इसमें इसमें गुना करिएगा 4 × 16 माइनस माइनस प्लस 16 आ गया, ठीक है। अब 16 में 16 से गुना करिए, चलिए यहाँ पे कर देते हैं, 16 में 16 से गुना करिए, 6 × 36 = 6 हासिल 3 और 6 × 3 = 9, फिर 1 से गुना करिएगा 6, फिर 1 से गुना करिएगा इसमें तो 1 ही आएगा, 6 जोड़िए 15 × 5 हासिल 1 है ये 256 ये हमारा आंसर आ गया। जी हो गया, तो उसके बाद एच देखिए, एच नंबर, एच नंबर में क्या बोल रहा है, -2 ठीक है, -2 × -2 सॉरी -2 -2 ठीक है। अब इसमें गुना करिए, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस तो 2 × 4 प्लस का नहीं दिखाएंगे, ये माइनस है, गुना -2
अब गुना करिए, 4 × 8 प्लस माइनस माइनस होता है आंसर। ये हो गया हमारा आंसर, एच हमारा हो गया। अब आई देख लेते हैं, आई नंबर देखिए क्या बोल रहा है, -20 × -15 × -25 × -5। ठीक है, यहाँ पे आ गया -5 लिख दिए यहाँ पे। अब इसको गुना करेंगे, इसमें गुना करिए कितना आएगा, यहाँ पे इसमें हम गुना कर दे रहे हैं -300। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +300। ये गुना करिए यहाँ इसमें तो 5 से गुना करिएगा, 50 × 25 = 5 हासिल 2 × 5 = 10 8 × 2 = 12 = 125। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस हो गया। चलिए प्लस का चिन्ह नहीं दिखाते हैं, यहाँ पे दिखा दिए हैं आप लोगों को समझने के लिए, यहाँ भी प्लस होगा। अब इसमें गुना करिए, चलिए यहाँ पे गुना कर देते हैं 125 × 300 से, को गुना आता होगा 3 अंक का। 0 से गुना करिएगा, 0 ही आ जाएगा, 300 ये भी 0 आ जाएगा। इससे गुना करिए, 5 × 3 = 15 हासिल 1 × 3 = 6 = 7 और 3 × 1 से गुना करिएगा तो 3 ही आएगा। जोड़ दीजिए 0 × 0 = 5 × 5 = 7 = 3 आ गया यहाँ पे 37500। यह हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत। ये हो गया आई नंबर। अब देखते हैं एच, क्वेश्चन नंबर आई हो गया, जे देखते हैं, जे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -50 × 5 × -20। ठीक है, इसमें गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 × 0 = 25 250, माइनस प्लस माइनस होता है, गुना -20 यहाँ पे आएगा। अब -50 × 100 = 25 × 100 हो गया यहाँ पे, इसका 00 है, 00 यहाँ पे। चलिए गुना करके दिखा देते हैं, 250 × 20। ठीक है, 0 × 0 = 0 इसे गुना करिएगा, 0 × 5 = 10 और 2 × 4 = 5 सॉरी यहाँ पे इतना नहीं आएगा, ये 5000 आएगा आंसर। ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलिए ये हो गया, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुने, चलिए देखते हैं। 18 है, 18 लिखिए, -2 = -2 × 18। इधर वाला जितना है उतना इधर वाला आ जाएगा तो सत्य होगा। ठीक है, तो माइनस में देखिए 18 × 36, माइनस प्लस माइनस होता है बराबर, 18 × 36 यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, अब चलिए दूसरा, ये पहला था, अब ये रहा दूसरा, -38 × 1 = 38। ये असत्य है क्योंकि ये -38 आएगा, इसमें गुना करेंगे तो -38, जबकि ये +38 दिया है, तो ये असत्य है, ये हमारा असत्य हो गया। अब
चलिए तीन नंबर देखते हैं। माइनस बीस गुना माइनस कितना आ जाएगा, -5 -20 गुना करिए 20 25 100 माइनस माइनस प्लस 100 20 25 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये सत्य है, ठीक है। बारी ये चार नंबर में और 43 में 0 से गुना करिएगा तो 0 ही आएगा क्योंकि 43 दिया है, इसमें इसमें गुना करिएगा 0 आना चाहिए था यहाँ पे, तो 43 है ये तो असत्य है, असत्य है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 4 5 नंबर क्वेश्चन। ये 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, 1 - -425 बराबर, अब गुना करिए इसमें इसमें गुण यहाँ दिया है -425, ठीक है। अब इसमें इसमें गुना करिएगा तो ये -425 आएगा ही, सत्य है, सत्य। अब आइए 6 नंबर पे देखते हैं, 6 नंबर -1 * 25 बराबर -25 आएगा, ठीक है, ये भी सत्य है क्योंकि इससे इसमें गुना करिएगा -25 आएगा। अब आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे इसमें इसमें गुना करिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, यहाँ पे 12 * 24 लिखिए, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना -24 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा 12 * 24, ये भी यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस लिखिए 24, ठीक है। अब देखिए इसको इसमें गुना कर दिया और इसमें या यहीं पे देखिए ये 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ पे -24 है, यहाँ पे -24 है, ये सत्य है, यही आंसर। उसके आगे देखिए या गुना करिएगा तो आ जाएगा बराबर ही आएगा। अब देखिए 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर यहाँ पे देखिए -5 गुना ये कोष्ट वाला को पहले काम किया जाता है, इसको इसको जोड़ दीजिए 5 आएगा, लिख दिए बराबर -5 इसमें गुना कर दीजिए -5 में 2 से गुना करिए तो -10 आएगा ना, प्लस है प्लस दे दीजिए, इसमें गुना करिएगा तो -15, ठीक है। अब इसमें गुना करिए -25 बराबर, इसको जोड़ेंगे, ये माइनस माइनस होता है ना तो टूट जाता है आपस में, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा -25, ये सत्य है, ठीक है। ये हमारा हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित तो उसके उचित गुण लिखे, 3 नंबर लिख दिए, 3 का पहला देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं,
माइनस 25 लिख लेते हैं, ठीक है। गुना है, गुना दे दो, इसको जोड़ो, यहाँ पे कॉस्ट में है ना, जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 दो 10, 10 लिखो यहाँ पे, बराबर बराबर दो, इसमें इसमें गुना कर दो पहले, कितना आएगा, 8 पे 40 कर दो, 8 गुना 16, 4 20 यानी 200। माइनस है तो माइनस दे दो, प्लस प्लस दे दो, इसमें इसमें गुना करो, 25 दुना 50, यह हमारा हो जाएगा ये गुणा का साहचर्य, सॉरी वितरण गुण, यह हो गया वितरण गुण, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, लिख लेना यहाँ पे, देखो माइनस माइनस है, ये भी माइनस, दोनों बराबर है, तो ये हमारा हो गया गुणा क्रम विनियम, गुणा का क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण, ठीक है, यह हमारा हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है तीसरा नंबर, यह हमारा तीसरा नंबर देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो तीसरा, इसमें इसमें ये तीनों, इसमें गुना करो तो 4×3 12 ये, ठीक तीनों, ये तो सब बराबर है, यहाँ प्लस में है, तो ये हमारा हो जाएगा गुणा का साहचर्य गुण, गुणा का साहचर्य गुण, ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया। ये हमारा चौथा हो जाएगा संवरक गुण, देखो यहाँ पे इसका इसका गुणा करेंगे, प्लस हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा संवरक गुण, संवरक गुण, संवरक गुण। अब आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर देखते हैं, 5 नंबर, सॉरी हाँ 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर क्या बोल रहा है, माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस, तो माइनस 5 आ जा रहा है, तो ये हमारा गुणा का तत्समक गुण हो जाएगा, गुणा का तत्समक, तत्समक गुण, ये हमारा हो गया। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 4 की तरफ चलते हैं, इसको इसमें गुना करो, 5×20 सॉरी 5×10 = 0 हासिल है, 5×20 आए 21 आएगा ना, ये माइनस प्लस माइनस होगा, बराबर इसमें गुना करो, 5×20 सॉरी 5×10 5×20 21 माइनस है माइनस, ये दोनों बराबर है, ये हमारा सत्य है, ये हमारा सत्य है, ये हमारा आंसर, ठीक है, ये आपस में बराबर है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे देखो 25, 25×25 ये पहला था, ये दूसरा है, आ जाओ 25 गुना इसको जोड़ दो, इसको 30 हो जाएगा, ये कोष्ट वाला जोड़ दो 30 हो जाएगा। अब इसको देखो 25, 25 में इसमें गुना करना है, ठीक है, 25 में 28 से गुना करो, 25 में 28 से, चलो यहाँ पे देखो 8×40 = 0, ठीक है, 5×10 = 14, 8×9 = 16, 4×2 = 4, 4×1 = 5 जोड़ो 0×10 = 0, 5×1 = 6, 7, 700 यहाँ पे आ रहा है 700, ये हमारा 700 प्लस 25×50, ठीक है, 25×3 = 75, इसको इसमें गुना करोगे, इसमें इसमें गुना करोगे इतना आएगा 25×3 = 75, हाँ बेटा ठीक है, इसमें इसमें गुना कर लेना, ये देखो जोड़ोगे तो कितना आएगा 750, ये भी आपस में बराबर है, ठीक है,
ये हमारा होगा, हम देखते हैं तीन नंबर, देखो क्या बोल रहा है, इसमें इसमें गुना करो, इसमें इसमें गुना करोगे कितना आएगा, ये भी देखो 50 में अलग गुना करके देख लेते हैं, 50 30, ठीक है 50 60 है, यहाँ पे देखो गुना करोगे 6 5 30 30 300 आएगा, 300 नहीं चलो यहाँ 6 5 30 3000 आएगा, ठीक है ठीक है 3000 आएगा ये। अब इसको 70 से गुना करना है इसमें भी, फिर इसको गुना कर लो 50 गुना 7 6 42 4200 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें गुना करो 7 3 21, ये 4 को 0, ये इसमें इसमें गुना करना है, 0 देख लेना कितना है, 1 2 3 4, 4 को 0 है तो 4 को 0 बैठा दो, 3 7 3 21, 4 को 0 बराबर, इसमें गुना करो 5 चौक 20 सॉरी 5 गुना 10, 5 चौका 20 21, 1 2 3, 1 2 3 नहीं ये भी बराबर है, ठीक है। अब आ जाओ सॉरी दिखा ये भी बराबर है। अब आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्या बोल रहा है, इसमें भी इसको गुना करोगे 5 गुना 10 माइनस 24 का 24 लिखो, इसमें गुना करो 5 गुना 10 बराबर, इसको लिखो गुना करते जाओ क्वेश्चन में, 5 चौका 20 का 0, आप 5 गुना 10 तो 12 माइनस है तो माइनस दे दो, गुना 2, इसमें गुना करोगे कितना आएगा, -240 बराबर, 12 गुना 24 माइनस 240, ये भी बराबर है, ठीक है। यह हमारा हो गया 4 नंबर तक, अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, किस पूर्णांक को -1 का गुणा करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं, चलिए -1 से गुणा करना है, 5 नंबर क्वेश्चन का पहला, -1 से गुणा करना है, यहाँ पे -1 बोल रहा है तो -1 से 20 में सॉरी यहाँ पर -1 से गुना करेंगे इसमें 20 में तो क्या आएगा, -20 आएगा, ठीक है। ये हमारा एक हुआ, ये दूसरा दिया है, ठीक है। -45 में गुना करो -1 से तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 45 प्लस हो जाएगा, 1 से गुना करोगे तो 45 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब चलो 3 नंबर देखते हैं, क्या बोला है, 0 में गुना करना है -1 से तो बराबर 0 ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, 1 में गुना करोगे -1 से तो कोई -1 आ जाएगा, यह हमारा हो गया 5 नंबर देखो, ठीक है। अब 5 नंबर देख लो, -50 में गुना करोगे -1 से तो क्या आएगा, 50 आएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यह हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इतने का आधार पर सत्यापित कीजिए कि त्रिगुण पूर्णांक का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। 6 नंबर देख लेते हैं, 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, हाँ सही है। देखो -10 गुना -10 बराबर, देख लो 10 दिया का 100, माइनस माइनस प्लस 100 हो गया, धनात्मक आ रहा है, ठीक है। कुछ अब आते हैं 7 नंबर, सरल कीजिए भिन्न गुणों का उचित भी सरल कीजिए भिन्न गुणों का उपयोग करते हुए, इसको सरल करो,
सात नंबर का पहला क्या बोल रहा है, इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा, सात पच पैंतीस, माइनस है तो माइनस दो, सात पच पैंतीस, प्लस है प्लस दे दो, इसमें गुणा करोगे तो माइनस है, सात में गुणा करोगे तो ग्यारह सात सतहत्तर, माइनस है तो माइनस दे दो, माइनस पैंतीस माइनस सतहत्तर, ये दोनों जुट जाएगा, सात पाँच बारह का दो हासिल एक का सात तीन दस एक ग्यारह, माइनस है तो माइनस लिखो आंसर, ये हमारा हुआ एक। अब क्वेश्चन नंबर, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा पे आते हैं, ये लिखा है इसमें गुना कर लो कितना आएगा, पच्चा पच्चीस का पाँच, सात पच्चे पैंतीस और दो, सैंतीस का सात, छः पच्चे तीस, ठीक है यहाँ पे पचास पच्चीस के पाँच, सात पच पैंतीस, दो सैंतीस, छः पच तीस, तीन तैंतीस, ठीक है माइनस है तो माइनस दो, यहाँ पे देख लो क्या है, माइनस है, माइनस यहाँ पे लिखो, अब इससे इसमें गुना करना है, ठीक है दस पचास पच्चीस का पाँच, फिर पाँच से सात पच पैंतीस, दो सैंतीस का सात हासिल तीन, छः पच तीस, तीन तैंतीस, ठीक है यहाँ पे माइनस है तो माइनस में गुना करोगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा।